मरीजों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास होगा। डॉक्टर गोपाल, SKMCH के उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि यहाँ मरीजों को बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। चिकित्सक एवं कर्मियों की परेशानी का भी त्वरित निष्पादन होगा। मृत्यु दर शून्य हो, इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। अस्पताल की रूपरेखा बदलेगी। इलाज को आने वाले मरीजों व परिजनों को किसी तरह की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। अभी आप उपाधीक्षक के पद भार ग्रहण किए हैं, वैसे आप इस अस्पताल के पुराने चिकित्सक हैं, शिशु विभागाध्यक्ष हैं, तो क्या क्या आपकी इस अस्पताल में मंशा है बदलाव का और क्या बेहतर करने की इच्छा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अभी PICU के साथ साथ AES का भी इंचार्ज हूं और एक एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुझे उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन सरकार ने मुझे अदर काम के लिए भी नियुक्त किया है ताकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है उसको भी सुधारा जा सके। और मैं यहाँ के सभी समस्या से वाकिफ हूँ और मैं तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हर एक चीज़ में अप टू डेट होना चाहिए। जैसे पेशेंट अभी 10 बजे एडमिट होता है, उसका जांच में 2-3 दिन लग जाते हैं, ये सब नहीं होगा। पेशेंट इसमें मैं 90% ख्याल पेशेंट के वेलफेयर पर दूंगा, 10% मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं और ये मानवता के नाते पेशेंट का भलाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मरीज का जो बेस्ट केयर होगा वो मैं दूंगा, चाहे दिन हो या रात हो। वो तुरंत एडमिट होंगे, तुरंत उसकी जांच होगी, तुरंत उसकी डायग्नोसिस कंफर्म होगी और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अगर तुरंत उसको कहीं रेफरल की भी जरूरत पड़ेगी तो रेफरल की भी व्यवस्था मैं तुरंत करूंगा। तो मेरा प्राइमरी मोटो यही है कि मरीज का सही समय पर कल्याण हो। दूसरी बात, जो एज एडमिनिस्ट्रेशन मैं ये देखूंगा कि जहाँ जहाँ लैकिंग हो रही है, जैसे कि सिस्टर को सही समय पर आना है, सही समय पर जाना है। और मैं एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ, खासकर मैं पीकू में तो शुरू कर चुका हूँ कि हर एक सिस्टर इंचार्ज को जब 8 बजे आती हैं तो उनको तुरंत हमको व्हाट्सएप पर भेजना है कि कितने सिस्टर आई और प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोई एबसेंट है तो एबसेंट का कॉज भी लिखेगी कि वो मैंने कुछ लीव पे है या क्या बात है। फिर शिफ्ट बदलता है 2 बजे, 2 बजे भी हमको व्हाट्सएप पर मैसेज आना चाहिए कि कितने सिस्टर की ड्यूटी और कितनी आई। ये राउंड दी क्लॉक चलेगा और कोई भी सिस्टर बिना बताए हुए नहीं जा सकती है। इवन कि सिस्टर इंचार्ज को अगर छुट्टी पर भी जाना है तो छुट्टी तो अलाउ मैटर्न करती है, लेकिन हमको 24 आवर्स बिफोर हमको नॉलेज हो जाना चाहिए कि ये सिस्टर इंचार्ज कल नहीं रहेंगी, ताकि मैं कल का प्लान कर सकूँ। एक ये है। फिर दूसरी है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ जैसे गार्ड का क्या काम है उस पर भी मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ वार्ड से कुछ सामान चोरी हो, जैसे AC का पाइप कोई खोल के ले गया, तो उसमें गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गार्ड उसमें क्यों नहीं थे, वो क्यों नहीं विजिट करते रात में। हाँ, सही बात है कि कुछ कुछ वार्ड आगे पीछे हैं तो उनको राउंड द क्लॉक उसको घूमना भी चाहिए। तो ये एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। और एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैं ये भी चाहूँगी हमारे जितने कर्मचारी गण हैं उनको भी कोई भी दिक्कतें नहीं हो, उनको समय से अगर वेतन की अवरुद्धता है तो वेतन पर उनको सही, बिल्कुल सही बात है, समय पर वेतन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और सरकार उसमें फंड्स भी रिलीज करती है। अब जैसे मैं बता दूं, FNIMCI के तहत ट्रेनिंग होनी है जो कि एज ए HOD पीडियाट्रिक्स को ही कराना पड़ता है, वो लास्ट वीक फरवरी में होना, जिसमें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी के सब आएंगे मेडिकल ऑफिसर। तो जो ट्रेनिंग पर्पस होती है प्लस योजना, उसको भी मुझे लागू करना है सरकार के निर्देशानुसार, यही सब मेरी प्राथमिकता है। चलिए सर, आप हुए डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी, HOD कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, SK मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद सर।